YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आरपी लाइव मेरे चैनल का नाम है और मैं आज से एक नया YouTube चैनल अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरे अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, होप करती हूँ कि यहाँ भी आप लोग अपना प्यार और साथ बनाए रखेंगे। मेरे चैनल पे ज़्यादातर ब्लॉग आएंगे जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े होंगे और मैं अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा यह चैनल पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो क्या करना है, ऑब्वियसली जैसे सबके चैनल को करते हैं सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना है। तो अपना प्यार और साथ बनाए रखिएगा क्योंकि मुझे उसकी सख्त ज़रूरत है और मैं देखती हूँ आगे आप लोगों के लिए क्या ला सकती हूँ। तब तक के लिए प्रणाम। प्रणाम मेरी यूट्यूब फैमिली को, मैं वापस आ गई हूँ रिंकी पांडे अपने पहले ब्लॉग के साथ। आरपी लाइफ यूट्यूब मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। तो आज होलिका दहन है और मेरे ख्याल से सब जगह आज ही होलिका दहन है क्योंकि बोलते हैं आज का दिन कैसे बीतता है। जो भी आगे होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है कि मुझे बाहर निकलना पड़े कुछ मार्केट करने के लिए ताकि होली के लिए कुछ सामान लेना पड़े क्योंकि होली के दिन तो सब बंद रहते हैं तो पहले ही ख़रीदारी करनी पड़ेगी। तो जो भी होगा मैं आगे आप लोगों को ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। हाय गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे मार्केट जाना पड़ेगा तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ मार्केट जाने के लिए। तो फटाफट रेडी होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। रेडी हो चुकी हूँ गाइस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, हल्का लिपस्टिक और वही थोड़ा सा क्रीम पाउडर लगाया, आईब्रो फिल किया और अपना एक पोनी टेल बना लिया। अभी मेरे बाल चिपकू लग रहे होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मैंने ऑयल लगाया हुआ है, कल मैं हेयर वॉश कर लूँगी। तो आसुरा ऐसे ही चलते हैं और क्या, और देखते हैं मैं बाहर आपको क्या दिखा सकती हूँ, क्या क्या मैं शॉपिंग करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, लेट्स गो। यहाँ पे मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि मुझे कुछ कुर्ती था जो डबल सिलाई करवाने के लिए लाना था और मैं लेके आई हूँ और हबी उसे सिलने के लिए देने गए हैं, बट इतना शोर हो रहा था कि आवाज़ ही अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई, इसके लिए मुझे दोबारा से ऑडियो डालना पड़ा रिकॉर्ड करके। पटना का फेमस मंदिर जिसको महावीर मंदिर कहा जाता है, अगर आप यहाँ कभी आते हैं तो इसे ज़रूर देखिए। अभी आपको पटना स्टेशन का रोड बहुत ही खाली दिख रहा होगा और हम लोग आ गए हैं भीटू। मुझे एक स्कर्ट लेना था, देखती हूँ पसंद आता है कि नहीं, अगर पसंद आया तो ले लूँगी, आपको भी दिखाऊँगी कि मैंने क्या लिया है। आप देखिए इतना खाली रोड पटना जंक्शन का कभी तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको दिखाती हूँ मैं। ये पटना जंक्शन का फेमस मॉल कह सकते हैं, छोटा सा, यहाँ पे कपड़े मिलते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। ये बाहर का है, पहले ऊपर से जाने का था बट अब नीचे से कर दिया है, अब हम लोग नीचे से जा रहे हैं।
तो चलिए चलो। मैंने ये स्कर्ट खरीदा, ये जो बीच में ग्रीन कलर का स्कर्ट दिख रहा है वो वाला। ये देखिए काउंटर पे कितना ज़्यादा भीड़ है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज के दिन भी इतना ज़्यादा भीड़ होगा, बट क्या करें, है तो है। तो अभी हम लोग आ गए हैं ज्ञान भवन, यहाँ पे कुछ सेल लगा हुआ है तो वही देखते हैं, कुछ पसंद आता है तो बाई करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ ज्ञान भवन। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वॉचेस है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, वॉलेट बेल्ट, यहाँ भी आपको बेल्ट और वॉलेट दिख जाएंगे। काफ़ी अच्छी रेट पे यहाँ पे सामानें मिल जाती हैं आपको ब्रांडेड, अगर आप लेना चाहें तो बेशक एक बार विजिट कीजिए। मेंस शूज, इधर शू सेक्शन है, सिर्फ आपको गर्ल्स एंड बॉयज के शूज देखने को मिल जाएंगे। सबसे
अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे रेड रिलेशन होता है। 3 दिनों से लगा हुआ था ज्ञान भवन में और आज तीसरा दिन है, चूँकि इसीलिए आज इतना खाली है। पहले दिन भी मैं आई थी, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ था और उस दिन के मुकाबले रेट भी कुछ कम किया है इन लोगों ने, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये साड़ियों का सेक्शन है। वैसे मैं जिस दिन आई थी पहले दिन, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, काफ़ी लंबी लाइन में साड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे 300 से लेके 500 के बीच में साड़ियाँ मिल रही हैं और बहुत भीड़ थी, बहुत लोगों ने ख़रीदा। चूँकि आज होलिका दहन है तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज भीड़ हो सकता है कम होगा, और देखिए मैं बिल्कुल सही थी, भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम है यहाँ उस दिन की तुलना में। और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, मैं भी चलती हूँ, जो काम करने आई हूँ पहले उसको तो कर लूँ। तो चलिए देखते हैं हम लोगों को शूज़ पसंद आते हैं या नहीं, अगर पसंद आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। वो होली के लिए कुछ सब्जी भी लेनी थी, तो ये अंटा घाट से निकलते हुए मैंने होलिका दहन का एक कैप्चर किया।